हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेसबुक एड्स के बारे में। फेसबुक एड्स का यूज करके आप क्वालिटी लीड कैसे जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था और पूछा था, सर हम लोग बहुत सारी लीड तो जनरेट कर पा रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि आपने क्वालिटी लीड को नहीं जनरेट किया, टारगेटेड लीड को नहीं जनरेट किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरह से आप फेसबुक एड्स का यूज करके क्वालिटी लीड को जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बीच में मैं बहुत सारे टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप बहुत सारा कुछ मिस कर दोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर आप देख सकते हो मैंने एड्स मैनेजर को ओपन कर दिया है और यहाँ पर कुछ मेरे एड्स भी चल रहे थे, अभी फिलहाल मैंने बंद किए। तो यहाँ पर अभी क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने अपना एड मैनेजर ओपन किया, क्रिएट पे क्लिक किया सिंपली। और जैसे बहुत सारे लोग ट्रैफिक एड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको ट्रैफिक एड्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लीड क्वालिटी लीड नहीं होती है। लीड तो बहुत सारी आती है लेकिन क्वालिटी लीड नहीं होती है। या तो आप लीड्स एड्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंगेजमेंट एड यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंगेजमेंट एड्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तभी आप इस तरह का एड्स क्रिएट कर सकोगे। अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ पूछना रहता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कैंपेन नेम कुछ भी डाल सकते हो आप। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 123 कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमें सेटिंग चेंज नहीं करना है। फर्स्ट जो हमारा एड सेट है यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो सेकंड एड सेट नेम है यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर फिलहाल और से मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, तो फिलहाल मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अभी आपको जो मेन सेटिंग है वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो यहाँ पर आपको मैसेजेस ऐप्स ही रहने देना है, इसको आपको एडिट नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मैसेंजर दिख रहा है ना, इसको अनटिक कर देना है, क्योंकि हमें जो लीड चाहिए वो इंस्टाग्राम पे चाहिए और क्वालिटी लीड चाहिए। तो हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम ऑलरेडी लिंक करके रखा है, तो यहाँ पर मैंने टिक किया इंस्टाग्राम पे। उसके बाद यहाँ पर डेली देखते हो, यहाँ पर डेली बजट है वो आपको कम से कम 300 का रखना है। तो यहाँ पर मैं 301 रुपये रखूँगा, 301 रुपये रखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 301 रुपये रखा। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ना, तो आप दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे, ये दो टाइम आप शेड्यूल कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लीड आएगा और क्वालिटी लीड आएगा, ओके। तो इस टाइम आप शेड्यूल कर सकते हो अपना ऐड। अभी फ़िलहाल मैं शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने एक टिप दे दिया। मैंने जैसे बताया था कि वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, तो ये सब चीज़ आपको और आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको नीचे नीचे आ जाना है, और यहाँ पर जो लोकेशन है, यहाँ पर आप लोकेशन इंडिया ही रखोगे। उसके बाद एज जो है आपका, एज आपको रखना है 18 से लेके आप 28-29 तक रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 29 रखूँगा, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 29 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 29 रख लिया है। और यहाँ पर आप टारगेटिंग कर सकते हो अपने फील्ड के हिसाब से। जैसे अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, तो आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज स्टूडेंट, उसके बाद या फिर जॉब सीकर, ऐसे आप यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर टारगेटिंग का नहीं बता रहा हूँ आपको, टारगेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप जो ऐड चलाओगे ना, उससे आपको 100% क्वालिटी लीड आने वाला है। तो आप टारगेटिंग अपने हिसाब से भी करोगे तो भी चलेगा, ओके। उसके बाद जो प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ प्लेसमेंट। उसी तरह आपको प्लेसमेंट रखना है, मैनुअल करना है, यहाँ पर एडवांस नहीं रखना है आपको, मैनुअल अपने हिसाब से आप प्लेसमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो फीड्स दिख रहा है ना, इसको पूरा अनटिक कर देना है, इसको पूरा अनटिक कर देना है आपको। इसको अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको रील्स को भी अनटिक कर देना है। सिर्फ आपको स्टोरी में चलाना है एड्स, इससे क्या होगा आपका सीपीसी कम आएगा, लेकिन आपको लीड जो है वो क्वालिटी मिलेगी। और यहाँ पर जो इंस्ट्रीम वाला है ना, इसको भी अनटिक कर देना है। सिर्फ आपको स्टोरी रखना है, यहाँ पर जो इंस्टाग्राम स्टोरी है ना, उसको ही रखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी रखा है। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम स्टोरी आपको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो हम लोग आ चुके अपने लास्ट स्टेप में, जहाँ पर हम लोग एड नेम में आ चुके। यहाँ पर आप अपना एड नेम कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पर जो मीडिया है यहाँ पर आप पोस्टर का यूज़ कर सकते हो या फिर वीडियो का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं पोस्टर ही यूज़ करूँगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यूज़ करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर पोस्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम से इमेज ले लेता हूँ, अभी मैं फिलहाल मेरे पास जो भी इमेज है उसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे ही इमेज ऐड किया है, लेकिन आप अच्छा सा इमेज ऐड कर लेना जो आपका ऐड क्रिएटिव रहेगा। उसके बाद डन पे क्लिक कर लेना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो ऐड क्रिएटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिलहाल आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। और यहाँ पर आप अगर कुछ चेंज करना चाहो, जो आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, अगर कोई आपको मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, तो जो मैसेज आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हो अपने हिसाब से, यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हो, तो यहाँ पर आप अपना नंबर वंबर डाल सकते हो। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा। अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो आप अपने हिसाब से वेलकम मैसेज डाल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना आपने सब कुछ बराबर डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली पब्लिश पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी लीड रहेगा वो क्वालिटी लीड रहेगा। अगर आपका CPC 3 रुपये भी जाता है ना तो भी आपको अच्छा लीड आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के वीडियो के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके।